ईसु वापस लौटी ही। लगभग 2000 बछर मन ले संसार मा सब जगह मा अधिक ले अधिक मन से मन मसीह ईसु के बारे मा शुभ संदेश ला सुनत हैं। कलिसिया उन्नति करत है। ईसु हर वादा करे है कि ओहर संसार के अंत मा वापस लौटी ही। अगर ओहर अभी वापस नी आईस तभो ले ओहर अपन वादा ला पूरा करही। जबकि हमन ईसु के वापस लौटे के इंतजार करत हन, परमेश्वर हमन ले ऐसने रीति ले जीवन जिए के इच्छा करते जोन पवित्र ए और जोन ओकर आदर करते। ओहर ई घोले चाहते कि हमन दूसर मन ला घोले ओकर राज के बारे मा बतान। जब ईसु पृथ्वी मा रहत रहीस तहाँ ओहर कहीस, मोर चेला मन संसार भर मा सब जगह मन के मन से मन ला परमेश्वर के राज के बारे मा शुभ संदेश प्रचार करही और तहाँ अंत आ जाही। बनेच ले जाति मन अभी तक ईसु के बारे मा नी सुनीन है। सरगला लौट जाए के पहले ईसु हर अपन अनुयायी मन ले उ मन से मन ला शुभ संदेश सुनाए बर कहीस जोन मन हर इला कभू नी सुनीन है। ओहर कहीस जावा और सब जाति मन के मन से मल्ला चेला बनावा और ओमन ले कह कि कटाई करे बर खेत पक चुके हैं। ईसु हर ई घोले कहीस कोनो मनसे के सेवक अपन स्वामी ले बड़े नहीं होए। इस संसार के महत्वपूर्ण मनसे मन मोला घृणा करें और मोर खातिर ओमन तुमन ला घोले सताही और मार डारही। इस संसार मा तुमन दुख भोगी हा लेकिन मजबूत बना, काबर कि मैं हर शैतान ला हरा दे हा जोन इस संसार मा शासन करते। अगर तुमन अंत तक मोर प्रति विश्वास लायक बने रही तब परमेश्वर तुमन ला बचाही। ईसु हर अपन चेला मन ला इस समझाए बर एक ठन कथा सुनाईस कि जब संसार के अंत होही तब मनसे मन के संग मा होही। ओहर कहीस कोनो मनसे हर अपन खेत मा बढ़िया बीजा बोईस, जब ओहर सुतत रहीस तो ओकर बैरी आईस और गेहूं के बीजा मन के माझा मा जंगली पौधा के बीजा मन ला बो दीस और फेन ओहर चले गीस। जब पौधा मन अंकुरित होइन तो सेवक मन उ मनसे ला कहिन, हे स्वामी ते ता अपन खेत मा बढ़िया बीजा बोई रहे तो फेन इमा जंगली पौधा मन काबर हैं। उ मनसे हर उत्तर दीस, केवल मोर बैरिच ओ मल्ला बोए बर इच्छा करही, इहर मोर कोनो बैरी ए जोन हर ऐसने करी से। उ सेवक मन हर अपन स्वामी ला उत्तर दिन, का हमन जंगली पौधा मल्ला उखाड़ देबो? उ स्वामी हर कहिस, नी, अगर तुमन ऐसने करी हा तो तुमन कुछ गेहूं के पौधा मल्ला घोले उखाड़ दी हा। कटाई के समय तक इंतजार कर, तहाँ जंगली पौधा मल्ला गठा मन मा इकट्ठा कर ल ताकि तू मन ओला जला सकी हा, लेकिन गेहूं ला मोर खलिहान मा लेके आव। चेला मन ई कथा के मतलब ला नी समझिन, इकर बर ओ मन हर ईसु ले ओ मन ला समझाए बर विनती करिन। ईसु हर कहिस, बढ़िया बीज हा बोए वाला मन से मसीह ला दिखाते, खेत संसार ला दिखाते, बढ़िया बीज हा परमेश्वर के राज के मन से मन ला दिखाते। जंगली पौधा मन उ दुष्ट शैतान के मनसे मन ला दिखाते, उ मनसे के बैरी शैतान ला दिखाते जोन हर जंगली पौधा मन ला बो दे रहीस। कटाई इस संसार के अंत ला दिखाते और कटाई करे वाला मन परमेश्वर के सरक दूत मन ला दिखाते। जब संसार के अंत हो ही तहां सरक दूत उ सब मनसे मन ला एक संग जमा करी ही जोन शैतान के हैं। उ सरक दूत ओ मल्ला एक ठन बनेच गरम आगी मा फेंक दीही, ओकरा उ मन से मन भयंकर सताओ मा रोईही और अपन दांत पीसीही। लेकिन जोन मन से मन धर्मी हैं, जोन मन ईसु के अनुसरण करीन हैं, ओ मन अपन परमेश्वर पिता के राज मा सूरज के समान चमकीही। ईसु हर ई घोले कहिस कि उ संसार के अंत होय के पहले ई पृथ्वी मा लौटीही। ओहर ओइच रीति ले आही जैसन ओहर गे रहीस, अर्थात ओकर ठी असली शरीर होही और ओहर आकाश के बादल मन मा सवार होके आही। जब ईसु लौटी ही तो ईसु के सब अनुयायी
जोन मन मर चुके हैं मरे माले जी उठी ही और ओकर ले आकाश मा मिली ही। तहां जोन अनुयायी अभी घोले जीवित हैं ओमन आकाश मा उठा लिए जाही और उ दूसर अनुयायी मन संग शामिल हो जाही जोन मरे माले जी उठे रहीन। ओमन सब ओकरा ईसु के संग हुई ओकर बाद ईसु अपन बंसे मन के संग रही। जब ओमन एक संग रही तो ओमन टी सदा बर पूरा रीति ले शांति होही। ईसु हर ओकर ऊपर विश्वास करे वाला सब मन से मल्ला एक ठन मुकुट दे के प्रतिज्ञा करी से ओमन सदा बर परमेश्वर के संग सब चीज मन मा शासन करी और ओमन ठी सिद्ध शांति होही। लेकिन परमेश्वर उस सब के न्याय करी ही जोन ईसु ला विश्वास नि करें ओहर ओमल्ला नरक मा डार दीही। ओकरा ओमन रोही और अपन दांत पीसीही और ओमन हमेशा पीड़ित होत रही और कभू नी बुझे आगी मा ओमन लगातार जलत रही और कीड़ा ओमन ला खाए बर कभू नी रुके। जब ईसु लौटी ही तो ओहर पूरी रीति ले शैतान ला और ओकर राज ला नष्ट कर दीही और ओहर शैतान ला नरक मा डार दीही। ओकरा शैतान हमेशा बर जलत रही उ सब के संग जोन हर परमेश्वर के गोइठ मल्ला माने के अलावा शैतान के पाछू चले के चुनाव करे रहीन। काबर की आदम और हव्वा हर परमेश्वर के आज्ञा नी मानी और पाप ला इस संसार मा लेके आए रहीन। परमेश्वर हर संसार ला श्राप दीस और ओला नष्ट करे बर निर्णय करीस। लेकिन कोनो दिन परमेश्वर एक ठन नवा सरग और एक ठन नवा पृथ्वी के रचना करही जोन सिद्ध होही। ईसु और ओकर मन से उ नवा पृथ्वी मा रही और उ सदा बर सब चीज मन मा शासन करही। ओ हर मन से मन के आँखी के हर एक आंसू ला पोंछ दही। अब कोनो घोले पीड़ित या दुखी नी होही। ओ मन नी रोए ओ मन बीमार नी होए या नी मरे और ओकरा कुछु घोले बुराई नी होए। तब ईसु अपन राज्य मा न्यायपूर्वक और शांति के संग राज करही और उ हमेशा बर अपन मन से मन के संग रही। मती अध्याय 13:24-30 36-42 अध्याय 22:13 अध्याय 24:14 अध्याय 28:18 यूहन्ना अध्याय 15:20 अध्याय 16:33 पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4:13-5-11 याकूब अध्याय 1:12 प्रकाशित वाक्य अध्याय 2:10 प्रकाशित वाक्य अध्याय 20:10 अध्याय 21:1-22 अध्याय 21 ले बाइबिल के एक ठन कथा।